हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो देन आई एम इंद्राणी रॉय। सो गाइस, आज के वीडियो में मैं जनरली जो वीडियोस बनाती हूँ लाइक मेकअप वीडियोस एंड ऑल, आज के वीडियो में मैं कुछ अलग टाइप का करने वाली हूँ। और मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को कि मैं अपने इंस्टाग्राम के लिए पिक्चर्स कैसे क्लिक करती हूँ, मतलब पूरे सेटअप से लेके बैकग्राउंड एंड ऑल मेकअप से लेके सब कुछ मैं दिखाने वाली हूँ। मतलब मैं पूरा ही दिखाऊंगी क्या क्या करने वाली हूँ मैं। और गाइस, मेरा थोड़ा सा गला खराब है क्योंकि मैं लास्ट 15 डेज से बहुत ज्यादा मेरा तबीयत जो है वो बहुत ज्यादा खराब था, इसलिए मैं कहीं पे भी एक्टिव नहीं थी ज्यादा इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे। सो आज से स्टार्ट कर रही हूँ मैं फिर से सब कुछ, मतलब मैं अब से कंटिन्यूअसली पोस्ट करूंगी जैसे मैं पहले पोस्ट करती थी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देती हूँ मैं क्या प्रॉप आज यूज करने वाली हूँ। सो मैं इसको यूज करने वाली हूँ, बंगाली में इसको धुनुची कहते हैं। इसमें से धुआं निकलता है सो वो वाइब्स मिल जाएगी धुएं वाली। तो इसको जलाना पड़ता है फिर इसमें से धुआं निकलता है। मैं दिखाऊंगी कैसे करना है इसको। और ये बैकग्राउंड में मैं यहाँ पे एक मैंने साड़ी लगाया है, मेरी माँ की साड़ी है ये। और अभी मैं मेकअप करूंगी एंड मेकअप के लिए मैंने सोचा है बहुत ही सिंपल सा, मतलब सिंपल मेकअप करूंगी, कुछ भी ड्रामेटिक तो नहीं होगा, एक ड्यूवी ग्लोई सा बेस होगा, ऐसा कुछ मेकअप करने का सोचा है मैंने। सो गाइस, मैंने अपने बालों को कोई भी स्टाइलिंग नहीं किया है क्योंकि मुझे आज ऐसे ही थोड़ा सा मेसियर काइंड ऑफ बाल चाहिए। और अभी मैं फेस का मेकअप करूंगी और मुझे थोड़ा सा ग्लोइंग ड्यूवी बेस चाहिए, इसलिए मेरे स्किन का हेल्दी लगना बहुत ज्यादा जरूरी है और इसलिए मैं अच्छे से स्किन केयर करूंगी। सो मैं पहले अपने फेस पे इस टोनर को यूज करूंगी, हाथ पे ऐसे स्प्रे कर रही हूँ मैं। और एक बार कर रही हूँ मैं। सो अभी मैं फेशियल ऑयल यूज कर रही हूँ, ये गुड वाइब्स का फेशियल ऑयल है। तो प्राइमर यूज करूंगी लेकिन बहुत ही कम। और ऐसे प्रेस करूंगी इसको। सो जैसा कि मैंने कहा कि मुझे आज ग्लोइंग ड्यूवी बेस चाहिए और कवरेज ना हो तो भी चलेगा क्योंकि पिक्चर्स मुझे ऐसे ही चाहिए जिसमें मेरा स्किन हेल्दी लगे और मैच ना लगे। सो इसके लिए मैं यूज कर रही हूँ इनसाइड का फाउंडेशन। मैं यहाँ पे इस ब्रश को यूज कर रही हूँ। सो मैं यहाँ पे यूज करूंगी इस कंसीलर को, ये इनसाइड का कंसीलर है, ये मेरे स्किन टोन का है इसलिए मैं इसे यूज कर रही हूँ, अदरवाइज इसका जो कवरेज है ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर यूज कर रही हूँ थोड़ा सा हाईएस्ट पॉइंट्स पे। अभी मैं बस थोड़ा सा सेट करूंगी अंडर आई को और फोरहेड को। मैं आईब्रोज को कर लूंगी। तो अभी मैं थोड़ा सा कंट्रोलिंग करूंगी और उसके लिए मैं क्रीम कंट्रोल ही कर रही हूँ आज क्योंकि ग्लोइंग चाहिए बेस। फिंगर के हेल्प से ब्लेंड करूंगी इसको। इस ऑरेंज शेड को क्योंकि ये रेड के साथ अच्छा लगेगा देखने में। अभी मैं स्विस ब्यूटी के इस ब्रश को यूज हाइलाइटर को यूज कर रही हूँ और क्योंकि ये मेरे स्किन टोन से काफी ज्यादा मिलता जुलता है इसलिए। और आईज के लिए मैं थोड़ा सा बस क्रीज को डिप दूंगी। ये शैम्पेन काइंड ऑफ कलर अप्लाई कर रही हूँ लिप पे फॉर दैट नेचुरल ग्लो। थोड़ा सा टिंटी काइंड ऑफ लिप्स करूंगी आज साइड पे ऐसे। यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ इस ऑरेंज शेड को ऐसे यहाँ पे ले रही हूँ। और ये एक देख सकते हो आप लोग काइंड ऑफ लिप ग्लॉस काइंड ऑफ टिंट हो गया है यहाँ पे। एंड ऑब्वियसली नेचुरल दिखना है सो आईलैश नहीं अप्लाई करूंगी, मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी आज। और अभी मैं साड़ी पहन के आती हूँ जल्दी से।
सो गाइस मैंने साड़ी पहना है, मतलब कुछ भी करके पहना है मैंने, मुझे उतनी अच्छी तरीके से आता नहीं है साड़ी पहनना, सो मैंने ऐसे ही पहना है। इसको मैं अभी जलाऊंगी। सो गाइस ये जल चुका है और इससे धुआं अच्छा आएगा, पिक्चर्स भी अच्छे आएंगे इससे, इसलिए इसको यूज करेंगे हम लोग। और मैं वर्टिकली पिक्चर्स क्लिक करूंगी पोर्ट्रेट में और उस पे ही मैं स्क्रीन रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाऊंगी। पहले पिक्चर के लिए पहले आपको टाइमर सेट करना पड़ेगा 5 या 10 सेकंड्स का। उसके बाद मैंने इसको सिंपली पकड़ा है हाथों से और सामने देख के पोज दिया है मैंने, और बाकी का काम मैंने धुएं वाला एडिटिंग से किया है। एडिटिंग का वीडियो भी मैं बाद में अपलोड करूंगी, आप लोग देख पाओगे क्या। सो सेकेंड पिक्चर में मैंने यहाँ पे रेड कलर का एक फ्लावर यूज किया है एज अ प्रॉप, और मैंने रेड कलर का यूज किया है क्योंकि मेरे आउटफिट से ये मैच करता है। इसको मैंने कैमरे के पास से पकड़ा है और फोकस फिर भी मेरे पे ही है, मेरे फेस पे है। थर्ड पिक्चर पे मैंने सिंपली पोज किया है, सिर्फ बैकग्राउंड पे एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर होना चाहिए आउटफिट के साथ, और सिंपली पोज किया है और उसके बाद मैंने इस पिक्चर को एडिट करके ऐसा किया है। सो गाइस अभी मैंने सारे पिक्चर्स क्लिक कर लिए हैं और कंप्लीट हो गया है। अभी मैं इसे एडिट करूंगी और इंस्टा पे अपलोड करूंगी। आप लोग पिक्चर्स को चेकआउट करने के लिए इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज गिव अ थम्स अप, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को टैप कर दीजिए एंड अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।